बीजेपी ने तय किए उम्मीदवारों के नाम। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह कहां से उम्मीदवार। भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी मैदान में आए। क्या लिस्ट देखकर उड़ जाएगी विपक्ष की नींद। लोकसभा चुनाव की तारीखों से पहले ही पक्ष विपक्ष की ओर से अब अपने उम्मीदवारों को सीटों पर सस्पेंस खत्म किया जाने लगा है। देर रात तक भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक के बाद खबर है कि 100 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव कर लिया गया है, यानी इनमें से अधिकतर सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीटें फाइनल कर दी गई। ऐसे में अधिकतम नाम चौंकाने वाले हैं। देर रात तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने पहुंचे। पीएम मोदी रात 11 बजे केंद्रीय कार्यालय पर आए थे और सुबह 3:30 बजे के करीब निकले हैं। बैठक में पहली सूची पर मंथन किया गया। सूत्रों का कहना है कि 1-2 दिन के अंदर ही पहली लिस्ट को फाइनल करके जारी कर दिया जाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो इस बार की ही लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी समेत अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे कईयों दिग्गजों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। इनमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से वाराणसी से उम्मीदवार होंगे, तो दूसरी तरफ अमित शाह गांधीनगर, राजनाथ सिंह को एक बार फिर से लखनऊ से टिकट दिया जा सकता है। चौंकाने वाली बात है कि इस लिस्ट में अब राज्यसभा के कई उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। ऐसी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर ज्यादा जोर दे रही है जहां उसने 2019 में कम वोटों से हार पाई थी। ऐसी सीटों को जीत में तब्दील करने के लिए पार्टी की ओर से ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और ऐसी सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इनमें भूपेंद्र यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, वी मुरलीधरन के नाम शामिल हो सकते हैं। यानी ऐसे दिग्गजों को उतारकर सीटें बीजेपी आराम से बढ़ा सकती है। वहीं इनमें सबसे बड़ा नाम भोजपुरी के कलाकार और स्टार पवन सिंह का शामिल है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वर्तमान 3 सांसदों का टिकट भी काट सकती है। इनमें वे नेता शामिल होंगे जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद प्रज्ञा ठाकुर की जगह उतारा जा सकता है। इसका कारण है प्रज्ञा ठाकुर का हमेशा नाम विवादों में रहना। वहीं पवन सिंह को माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। सीसी की बैठक में फिलहाल इन्हीं कई नामों पर मंथन किया गया है। उधर सहयोगियों के लिए सीटें भी लगभग फाइनल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ हो या असम में क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन की बात हो, भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि INDIA किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाता है और बीजेपी की रणनीति आखिर कितनी कामयाब हो पाती है। बहरहाल इसमें से किन सीटों पर आप किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, उसके लिए अपनी राय कमेंट करें और पवन सिंह के नाम को लेकर आपकी क्या राय है उसे भी जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।